हेलो दोस्तों दोस्तों सभी के लाइफ में एक ना एक बार यार ऐसा एक टाइम आता है, मोस्टली टीनएजर्स में ऐसा देखने को मिलता है कि यार उन्हें पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। दोस्तों मैं भी यार एक टीनेजर ही हूँ, तो यार मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाने का मन कर रहा है, आप भी कुछ अर्न करना चाहते हो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में आपको चार ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, चार ऐसे काम बताने वाला जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई घर बैठे पैसे कमाओ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है मुझे जो लोग कहते हैं कि यार घर बैठे पैसे कमाओ दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि इस एज पर आपको मन करता है कि यार कुछ अर्न करना चाहिए मुझे। आप चुपचाप जाते हो यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज़ देखते हो, या फिर आप क्या करते हो गूगल वगैरह पर टाइप करते हो कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम सिटिंग होम ऑनलाइन वगैरह वगैरह, कुछ नहीं हो तो भाई सट्टेबाजी ही कर दो, मतलब ऐसा कुछ भी आप करने लगते हो। और होता है कि आखिर में कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में पता चलता है जिस पे ये करो वो करो, कभी कैप्चा आते हो, कभी एड्स देखो, तो कभी ये रेफर करो, कभी वो रेफर करो, फलाना ढिमकाना। लेकिन दोस्तों एक्चुअली कुछ हासिल नहीं होता यहाँ पर, बात ये है मैं भाई इस चीज़ पे बहुत काम करके थक गया हूँ, लेकिन दोस्तों आखिर में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। कितना 50-100 रुपये मिले गए वो भाई, वो क्या कमाई है, मतलब वो भी लगे हाथ कभी मुश्किल से मिल सक जाता है आपको रेगुलरली। तो ऐसा बात नहीं कि आपको कुछ भी मिलने वाला है दोस्तों, काम कुछ ऐसा कीजिए कि यार आपको रेगुलरली कुछ इनकम हो सके, रेगुलरली कुछ कमाई हो सके। तो दोस्तों ये चार तरीके क्या है पैसे कमाने के, जाने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिंग ट्यूब पर। तो दोस्तों अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों जो सबसे पहला तरीका है पैसा कमाने का वो है दोस्तों ट्यूशन। अब आप बोल रहे हैं कि क्या भाई तुम भी वही नॉर्मल हो के जैसे बोल रहे हैं कि ट्यूशन पढ़ाओ, तो दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो अभी का सोसाइटी का जो डिमांड है यार वो ट्यूशन बहुत ज़्यादा मांग रहा है दोस्तों। अब जाहिर सा बात है कि आप सोचें कि भाई कैसे चालू कर दें ट्यूशन, बहुत शर्म आती है लोगों को बोलने में ये वो। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो यार आपको इंट्रैक्शन करना ही पड़ेगा अपने अगर घर के बगल वगैरह में, या फिर किसी दोस्त वगैरह को बोले कि भाई मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, किसी कोई होगा तो मेरे पास भेज दे उसे दोस्तों। कुछ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों, ये भी यूट्यूब के जैसा होता है, स्टार्टिंग के 2-3 स्टूडेंट जुटाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक बार आप स्टूडेंट के दिल में जगह बना तो दोस्तों उसके पेरेंट्स जरूर पूछेंगे अपने बेटे से कि बेटा इस टीचर ने कैसे पढ़ाया। तो अगर दोस्तों अगर आप उस बच्चे का दिल जीत लेंगे तो जाहिर सा बात है कोई बच्चा आपके बारे में अच्छी बात बोलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि अगर लोगों को मालूम चल जाए कि आप कुछ अच्छा पढ़ा ले रहे हैं, लड़कों को अच्छी एडुकेशन दे रहे हैं, तो दोस्तों भाई कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, लोगों को टीचर का इतना ज़्यादा मतलब वो है, डिमांड है मार्केट में कि दोस्तों आप खाली हाथ नहीं बैठे दोस्तों। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, लूटना नहीं है दोस्तों, स्टूडेंट्स को लूटना बहुत ही गलत बात है। आपको एक इनकम सोर्स चाहिए, आप कमाइए जितना डिजर्व करते हो उतना लीजिए दोस्तों। ये 500-1000 रुपये भाई ये गलत चीज़ है दोस्तों। इस बारे में आप ज़्यादा नहीं, आपको बस एक आइडिया देना था कमाने के लिए दोस्तों। अगर इसके साथ हम दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है वो स्मॉल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों स्मॉल बिजनेस इन द सेंस क्या होता है दोस्तों, सबका अपना आपको ये चीज़ खुद से सोचनी चाहिए कि कोई आप एक बिजनेस मॉडल तैयार कीजिए। जैसे कि मैंने तैयार किया है, मैं डिजिटल पेमेंट्स करता हूँ लोगों के, कितने ऐसे लोग हैं जो लोग ऑनलाइन कुछ कर नहीं पाते, या फिर उन लोगों के पास स्मार्टफोन भी होता तो यूज़ नहीं करना आता कि भाई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, इलेक्ट्रिक बिल, रिचार्ज, ये सब कैसे करें। तो मैं क्या करता हूँ कि वैसे लोगों की हेल्प करता हूँ। मैंने भाई इस मार्केट को मतलब सेटल करने में लगभग 1.5 साल लग गया, तब सबको मालूम चला कि मैं ये सब काम करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आप बोलेंगे भाई प्रॉफिट कैसा होता था दोस्तों, ये मॉडल आपको तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं उससे 1 रुपये भी कमीशन नहीं लेता हूँ, फिर भी मेरा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अब इसके पीछे मॉडल क्या है दोस्तों, वो तो भाई मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यार यही तो सीक्रेट है। ऐसे ही आप भी कुछ भी मॉडल, एक बिजनेस मॉडल तैयार कीजिए जो कि आपको लगे कि सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से आप कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अगर और एक बात मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया जाए, जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने क्या किया था कि यार 2 साल पहले बैंक अकाउंट खुलवा कर पर मंथ अपने फैमिली से कुछ पैसे लेता था और उसे सेव करता था। उससे क्या हुआ कि आज की डेट में अच्छी खासी सेविंग होने के कारण मैं FD, इनमें म्यूचुअल फंड, ये सब जगह पर इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न पा लेता हूँ। तो दोस्तों यही बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए दोस्तों। अगर इसके साथ तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तों ये थोड़ा अटपटांग है, बहुत लोगों को मिस लगेगा कि अरे भाई ये तुम क्या बोल रहे हो। देखिए दोस्तों ये सही चीज़ है दोस्तों, आपको करना क्या है कि लोकल शॉप्स जो होते हैं, जो डिजिटल शॉप्स होते हैं, जैसे जेरॉक्स हुआ या फिर कहीं पर होता है दुकान जहाँ पर उन लोगों को कंप्यूटर पर एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, वैसे दुकानों पर आप काम कीजिए दोस्तों। अब आपको प्रॉब्लम होगा कि यार कैसे काम करूँ, यार कोई अपना देख लेगा तो वह बोलेगा कि अरे भाई तू यहाँ पर काम करता है, ये क्या मतलब, ये क्या चीज़ कर रहा है भाई। दोस्तों अपने एरिया से थोड़ा दूर हट कर देखिए, कोई जगह ऐसा मुश्किलें होंगी दोस्तों ढूंढने में दोस्तों आपको ऐसा काम लेंगे दोस्तों,
बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ये घर बैठने वाला सिस्टम मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा टाइम तक साथ देगा दोस्तों। आप ऐसा अगर ऐसे किसी दुकान को ढूंढ लेते तो आप आपको एक पार्ट टाइम बहुत ही अच्छा जॉब करने के लिए मिल सकता है दोस्तों। और हो सकता है कि अगर आपसे वो आदमी इंप्रेस हुआ तो मतलब आपको प्रमोशन का भी भाई चांसेस है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। अगर आप सही जगह पर थोड़ा काम कर रहे हो तो आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो दोस्तों यार ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन भाई नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे मैंने देखा है ऐसे भाई मिडिल क्लास लोगों को इस टाइप से स्ट्रगल करते हुए। लेकिन दोस्तों वो जगह मुझे सही लगती है दोस्तों, रिस्पेक्ट के साथ आपको काम करने के लिए मिलता है। अगर इसी के साथ दोस्तों अपने चारवें पॉइंट और सबसे आखिरी चीज़ के बारे में बात की जाती है दोस्तों, ये थोड़ा मतलब मुश्किल है आज के टाइम पर, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों नामुमकिन नहीं है। वो है दोस्तों YouTube। अब आप बोलेंगे कि अरे भाई तुम भी वही ज्ञान देने लगे, ये YouTube बहुत मुश्किल चीज़ है यार। तो दोस्तों हाँ मुश्किल है, लेकिन दोस्तों YouTube में सक्सेस होने का रीज़न क्या है? आपका कंटेंट रेगुलरली आना चाहिए और कंटेंट इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको भी यही करना है यार, कुछ तो टैलेंट होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आप बहुत टाइम करते होंगे। पबजी खेलते होगे, ठीक है भाई खेलो, बैठ के गाना ही गाते होगे, बैठ के बकचोदी ही करते होगे, कुछ तो करते होगे। तो यार उस चीज़ को पब्लिक के साथ शेयर करो, जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में कर रहे हो, उस चीज़ को पब्लिक को दिखाओ, क्या पता उन्हें अच्छा लगे। ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि रोज़ रोज़ वीडियोस अपलोड करो, आप हफ्ते में एक से दो बार या फिर एक भी अपलोड करो, नॉर्मली अपलोड करते रहो अपना। इसको एक मतलब जैसे स्टेटस लगाते हो फेसबुक पर, ये वो शेयर करते हो, ऐसे इसे भी शेयर करो। क्या जाता है इसे शेयर करने में? आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करने के लिए इस पर नहीं बोला हूँ, क्या पता दोस्तों कि आपका चैनल ग्रो कर जाए दोस्तों। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मजाक में अपना कुछ ब्लॉग्स डाले, मैं एक चैनल के बारे में बताता हूँ, नाम नहीं रिवील करूँगा, उसने अपना दो तीन ब्लॉग डाला, वो वायरल हो गया दोस्तों। वो एक रेलवे एम्प्लॉय था और उनके ब्लॉग वायरल हो गए दोस्तों, और मतलब क्या बोला जाए, 5 महीने के अंदर 7.7K सब्सक्राइबर्स आ गए उनके पास, और लगभग वो अभी तक करेंट डेट पर भी उनके चैनल में बस 7 वीडियोस हैं, और लेकिन अब वो अपना चैनल कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। यार यही बात होती है दोस्तों, मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ती है दोस्तों पैसे कमाने के लिए। आशा करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड, मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।